हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट मुझे बता देंगे एक बार कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन आज का। ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो वेदर ऑडियो एंड वीडियो इज़ क्लियर और नॉट, है ना। फटाफट बता दे मुझको एक बार कि यस सर, ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम क्लियर है, परफेक्ट है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, हमने आपने देखा होगा कि लास्ट वीक तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, शायद हम लोग की किसी की भी क्लास नहीं हुई होगी, एक आध क्लास हुई होगी मंडे ट्यूसडे वाली, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दिल्ली में थे। वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी गुड फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक इवेंट भी हुआ था। ठीक है, तो यार आज की जो बात करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं कि यार हमारा लेक्चर रहेगा आज का क्लैम्पर सर्किट के ऊपर। किसके ऊपर लेक्चर रहेगा हमारा? क्लैम्पर सर्किट के ऊपर। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि भाई डायोड का जो पार्ट है ना, डायोड का हम क्या बोलते हैं, जो मेन पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग ख़त्म कर लें, सो दैट हम लोग बढ़िया से क्वेश्चंस वगैरह डायोड के कर पाएँ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन यार क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट को हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि क्लैम्पर सर्किट एग्जैक्टली होता क्या है, क्लैम्पर सर्किट की वर्किंग कैसे होती है। क्लैम्पर सर्किट को फर्दर जब और पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्लैम्पर सर्किट के अंदर और भी कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती है, जैसे कि क्या आपका पीक डिटेक्टर सर्किट। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटर को इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग डायोड की वर्किंग देख चुके हैं रेजिस्टेंस वजिस्टेंस लगा के। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, हम लोग इन्वॉल्व करेंगे किन को, हम लोग इन्वॉल्व करेंगे बढ़िया से यहाँ पे किसको, आपके क्लिपर वाले पार्ट, सॉरी कैपेसिटर वाले पार्ट को। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि भाई क्लैम्पर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्लैम्पर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लैम्पर क्या होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल दिया मैंने क्या, क्लैम्पर। ये हेडिंग क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, क्लैम्पर। ठीक है, अगर मैं क्लैम्पर की बात करता हूँ कि भाई क्लैम्पर सर्किट अपने आप में क्या है, क्लैम्पर सर्किट का किस टाइप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या क्लैम्पर सर्किट का काम क्या है ना। मुद्दे की बात ये है कि क्लैम्पर सर्किट का काम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, है ना, और अगर मैं क्लेम करता हूँ कि भाई ये क्या है अपने पास, ये हमारे लिए क्लैम्पर सर्किट है। क्या है ये हमारे पास? क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, हम इसको कहेंगे क्लैम्पर सर्किट। ठीक ठीक है, तो देखिए क्लैम्पर सर्किट किस तरीके से काम करेगा, क्लैम्पर सर्किट किस तरीके से काम करेगा। देखिए क्लैम्पर सर्किट में जो भी इनपुट होगा, जिसे हम मानते हैं कि भाई क्लैम्पर सर्किट का इनपुट कैसा है, वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, ये हमको दिखाई दे रहा है वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या है, ये आपको क्लैम्पर सर्किट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, तो आपके वी आउट का वैल्यू कैसा होगा? ठीक है, यहाँ पे आपका जो वी आउट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपका जो वी आउट है जो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो उसको, तो इधर का जो नंबर है ना, दिस इज प्योरली एसी वेव फॉर्म। क्या है ये? एसी वेव फॉर्म है। किस कैटेगरी में आ रहा है ये अपने पास? ये हमको एसी के कैटेगरी में देखने को मिल जा रहा है। ओके, किस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है हमको, ये एसी के कैटेगरी में देखने को। तो आउटपुट क्या होगा इसका? देखिए अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ तो आउटपुट विल बी, ठीक है, अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ तो आउटपुट में क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वी एम। जैसे मान लेते हैं वी एम, वी एम क्या है, वी एम अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है। वी एम क्या है भाई, वी एम अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर है मतलब क्या है, डीसी नंबर है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं, है ना, कि भाई ये हो जाएगा आपके पास इनपुट, देखिए आप ये हो जाएगा ऐसा आपके पास, क्या देखिए ये हो गया हमारे पास एक एसी, एसी वेव फॉर्म था ये, तो एसी इनपुट था, इसी एसी इनपुट में एक डीसी ऐड हो गया। ठीक है, इसी एसी में क्या हो गया, एक आपके पास से डीसी ऐड हो गया। इस कारनामे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कारनामे को हम लोग बोलते हैं क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, आपका जो एसी वेव फॉर्म आपको देखने को मिलता है, इस एसी वेव फॉर्म में कुछ डीसी नंबर को ऐड कर देता है। क्या कर देता है, कुछ डीसी नंबर को उठा के बढ़िया से ऐड कर देता है। मतलब अगर मैं इस फिगर को ऐसा दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं
इस फिगर को कुछ इस तरीके से दिखाऊं। देखिए जैसे इनपुट है ना, तो जैसे मैं इनपुट की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखिए इनपुट कैसा होगा, ये हो जाएगा वी इन और ये हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा टी, एक हो गया वी इन और एक हो गया हमारे पास क्या, ओमेगा टी, ठीक है, तो एक हो गया वी इन, एक हो गया अपने पास क्या ओमेगा टी, तो देखो इसका वेव फॉर्म कैसा बनेगा, एक हो जाएगा वी एम, एक हो जाएगा माइनस वी एम और इसके बीच में बढ़िया से ऐसा साइन वेव बनता जाएगा, ये ऐसा बढ़िया सा क्या बनता जाएगा, ये बढ़िया सा अपने पास साइन वेव बनता जाएगा। ओके, ये फिगर है अपने पास, ये हमको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है किसका, दिस इज फिगर ऑफ योर इनपुट वेव, ठीक है, तो आउटपुट में क्या होने वाला है, यहाँ पे ये भी समझना बहुत ज़रूरी कि भाई आउटपुट में यहाँ पे क्या होने वाला है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आउटपुट में क्या होने वाला है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो अगर मैं बात करता हूँ कि यार आउटपुट में क्या होगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, एक डीसी का नंबर जो है वो डीसी का नंबर हमें ऐड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो ये जो वेव फॉर्म है ना, ये वेव फॉर्म क्या होगा, ये वेव फॉर्म थोड़ा सा ऊपर आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वेव फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, ये वेव फॉर्म थोड़ा सा ऊपर आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, है ना, कैसा दिखाई देगा भाई, ये वेव फॉर्म आपको, ये वेव फॉर्म आपको बढ़िया ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, है ना, तो मैं आपके पास देखिए यहाँ पे एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, देखिए हम बात करते हैं इस वेव फॉर्म की, ठीक है, देखो ये हो गया वी आउट, ये हो गया वी आउट, है ना, तो वी आउट वेव फॉर्म में क्या हो रहा है, ठीक है, ये वी आउट जो है उसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ये हो गया जीरो, ये हो गया वी एम और ये हो गया टू वी एम, ठीक है, तो अगर तू ध्यान से देख रहा है तो क्या हो रहा है भाई कि ये जो वेव फॉर्म था ना, ये जो वेव फॉर्म था ना, ये वेव फॉर्म ऐसा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये वेव फॉर्म क्या हो गया, ये वेव फॉर्म हमको ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे गया, ठीक है, ये वेव फॉर्म कैसा दिखाई दे गया भाई, ये वेव फॉर्म हमको ऊपर बढ़िया से शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे गया, क्लियर, सो दिस वेव फॉर्म हैज शिफ्टेड अपवर्ड्स, दिस वेव फॉर्म हैज शिफ्टेड व्हाट, दिस वेव फॉर्म हैज शिफ्टेड अपवर्ड्स, है ना, तो ये काम करता है आपके पास क्लैंपर सर्किट, दोनों दोनों पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दोनों पॉसिबिलिटी मतलब क्या कि जैसे अगर मैं कहता हूँ भाई, है ना, यहाँ पे कि यार हमारा वी आउट का वैल्यू कैसा आया था, हमारे वी आउट के वैल्यू को मैंने लिखा था इनपुट जो भी हो, ठीक है, उसमें एक वैल्यू प्लस हो जाती है या एक वैल्यू क्या हो जाती है, या एक वैल्यू माइनस हो जाती है, ऐसा हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा देखने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसा देखने के बाद में तो भाई यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, ओके, दो पॉसिबिलिटी है मतलब क्या, दो पॉसिबिलिटी का अर्थ ये है कि भाई या तो आउटपुट का नंबर कैसा आएगा, या तो आउटपुट का नंबर वी इन आएगा, या आउटपुट का नंबर सॉरी वी इन प्लस वी एम आएगा, या तो वी इन माइनस वी एम आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, है ना, तो हम क्या लिख रहे हैं, वी आउट का वैल्यू कैसा दिख रहा है, वी इन प्लस वी एम लिख रहे हैं, ठीक है, या वी आउट का वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम लोग वी इन माइनस वी एम दिख रहे हैं, ठीक है, वी इन माइनस वी एम दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा वी आउट इज इक्वल टू वी इन प्लस वी एम और एक हो गया वी इन माइनस वी एम, ठीक है, ये ऐसा हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, अगर हमको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जा रहा है जहाँ पे डीसी नंबर ऐड हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि डीसी नंबर ऐड हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि डीसी नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सर इन क्लिपर वाई सोर्स रेजिस्टेंस ड्रॉप इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डायोड, ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस ड्रॉप मतलब क्या, आप इनपुट वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस बोल रहे हो अंशु, कि किसका रेजिस्टेंस बोल रहे हो, सोर्स रेजिस्टेंस ड्रॉप का मतलब तो वही है ना, आप उसका रेजिस्टेंस बोलना चाह रहे हो कि डायोड का रेजिस्टेंस बोलना चाह रहे हो, बताओ फटाफट बताओ किस क्या बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है, हाँ ये हो गया ऐसा, है ना, इसको
हम कहते हैं पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है, जब लेवल से ऊपर जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव क्लिपर, अदरवाइज हम लोग क्या कहते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव क्लिपर, ठीक है, क्या कहते हैं भाई इसको हम लोग, फिर नेगेटिव क्लिपर, ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव क्लिपर, एक हो गया नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। अंशु जी कह रहे हैं कि सर इनपुट वोल्टेज, देख भाई क्या होता है जब हम लोग क्लिपर सर्किट बनाते हैं, है ना, तो ऐसा 2 किलो ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है मान ले, यहाँ पे एक डायोड बना है मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ, है ना, तो सप्लाई कैसा होगा, सप्लाई का अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो देख तू जैसे कि ये 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम क्यों है, डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तभी तो करंट मिली एम्पियर में फ्लो करेगा ना, ठीक है। तो पहला तो ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो ये सीरीज का रेजिस्टेंस कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है। दूसरा क्या, सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा 2 ओम जैसा वैल्यू, मतलब सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, लो होता है हमेशा, कैसा होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि भाई ये इसमें एडेड ही है ना, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं ना इनपुट में सीरीज के साथ, वो मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, समझ गया मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग बता भी रहे थे को बढ़िया से, है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसको वहाँ पे लेके ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का, उससे हमारे आउटपुट के वेव फॉर्म में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। हाँ अतुल राज, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है बेटा दोबारा ये तो बता दे, किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी देख 2 ही स्लाइड बताया है बढ़िया, कि क्लैम्पर सर्किट में क्या होता है, इनपुट का जो भी नंबर होता है उसमें सर्टन नंबर ऐड हो जाता है, ठीक है, हाउ टू नो दैट इज सोर्स रेजिस्टेंस, है ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि वी आउट वी इन प्लस वी एम भी हो सकता है, वी इन माइनस वी एम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी सर्किट। अगर प्लस वी एम होगा तो पॉजिटिव क्लिपर होगा, माइनस वी एम होगा तो कैसा होगा, माइनस वी एम होगा तो आपके पास नेगेटिव क्लिपर होगा, ठीक है। हाँ समझ गए मेरी बात, तो क्या होगा, नेगेटिव क्लिपर हमको देखने को मिलेगा, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पॉजिटिव क्लिपर, एक हो गया अपने पास क्या, एक हो गया हमारे पास नेगेटिव क्लिपर, है ना सर, क्लैम्पर और क्लिपर। अरे तो कोई क्लैम्पर का डाउट, क्लैम्पर पढ़ा रहा हूँ तो कोई यहाँ पे क्लिपर क्लिपर धुआंधार दिए पड़ा है, ठीक है ना। अतुल राज भाई तो किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है तू, सेकेंड पार्ट क्लैम्पर का क्लिपर का, तुम लोग ना, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या होगा, वेव फॉर्म में चेंजेस, जब प्लस वी एम करेंगे, जब प्लस वी एम करेंगे तो क्या होगा भाई, प्लस वी एम के केस में ये जो आपका वेव फॉर्म है, प्लस वी एम के केस में जो आपका वेव फॉर्म है वो वेव फॉर्म कुछ ऐसा हमको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से उठ के वी एम, और वी एम से उठ के 2 VM, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमको वो वेव फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा हमको ये वेव फॉर्म दिख पा रहा है, ठीक है, हाँ है ना। हाँ अब क्या होगा नेगेटिव क्लिपर में, नेगेटिव क्लैंपर में, सॉरी नेगेटिव क्लैंपर में क्या होगा, ये वेव फॉर्म हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा अपने को, क्लियर, क्या कि भाई ये हो गया अपने पास वेव फॉर्म, है ना। तो देखो अब ये वेव फॉर्म देखो ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस वी एम, और ये हो गया माइनस 2 VM, ठीक है, ये हो गया माइनस, सर प्लीज DIFFB क्लिपर क्लैम्पर, क्या हो गया भाई, प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिपर एंड क्लैम्पर। भाई क्लिपर के मैं 5-6 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है, अब तो मुझसे पूछ रहा है कि मतलब डिफरेंस बताऊँ मैं, अतुल राज ठीक है, कैसी बात कर रहे, तू लेक्चर नंबर 1 से नहीं देख रहा है ना, मेरे को ये बात पता है, लेक्चर नंबर 1 से देख भाई, तू समझ जाएगा आसानी के साथ। वेन गेट 2026 बैच विल स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होगा भाई हम यूट्यूब पे डेफिनेटली अपडेट करेंगे, ठीक है ना। हाँ यू रोट, अच्छा क्लिपर लिख दिया गया यहाँ पे, ओके सॉरी 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 सॉरी, वो डाउट पूछा ना तो मैं वो सुन, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होगा तो क्लिपर लिख दिया मैं, है ना, ये क्या है क्लैम्पर है ना, ये क्या है क्लैम्पर है, ये क्लैम्पर है,
ठीक है, समझ पाए क्लैंपर कर क्या रहा है एक्चुअली हमारे लिए, है ना। तो हमको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी था कि क्लैंपर जो है वो हमारे लिए, ठीक है ठीक है, समझ गया अतुल भाई, है ना। तो क्लिपर क्लैंपर क्लिपर क्लैंपर पूरा वो कैरम बोर्ड बन गया, ठीक है। चलिए, तो एक पॉजिटिव क्लैंपर है और एक क्या देखने को मिल रहा है अपने को, एक हमको यहाँ पे नेगेटिव क्लैंपर देखने को मिल जा रहा है। क्या देखने को मिल जा रहा है? नेगेटिव क्लैंपर देखने को मिल जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं सामान्य भाषा में डिस्कस करना चाहूँ कि भाई क्लिपर क्या करता है और क्लैंपर क्या करता है, सॉरी क्लैंपर करता क्या है ना, क्लैंपर एड्स, क्लैंपर एड्स, ठीक है ना। क्लैंपर क्या करता है? क्लैंपर ऐड करता है डीसी लेवल, क्लैंपर एड्स डीसी लेवल टू इनपुट वेव फॉर्म, टू इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है। ये काम करता है अपने पास क्या? क्लैंपर, ठीक है। ये क्या काम करता है अपने पास? क्लैंपर हमारे लिए ये काम करता है, ठीक है। क्लैंपर हमारे पास क्या करता है? यही काम वो करता है ना। और अगर मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूं, ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़िया से आगे प्रोसीड करूं, है ना, तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। देखिए क्या होगा, क्लैंपर के साथ इफ वेव फॉर्म, इफ वेव फॉर्म इज शिफ्टेड, इफ वेव फॉर्म इज शिफ्टेड अबो रेफरेंस लेवल, इफ वेव फॉर्म इज शिफ्टेड अबो रेफरेंस लेवल, देन वी से इट एज पॉजिटिव क्लैंपर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? पॉजिटिव क्लैंपर, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है ना। समझ पाए? है ना, ठीक है। इफ इफ वेव फॉर्म इज शिफ्टेड बिलो रेफरेंस लेवल, इफ वेव फॉर्म इज शिफ्टेड बिलो रेफरेंस लेवल, वी से इट एज, वी से इट एज नेगेटिव क्लैंपर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव क्लैंपर, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज भाई, क्लैंपर बनेगा किस चीज से, ठीक है। क्लैंपर बनेगा किस चीज से? क्लैंपर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, कैपेसिटर, कैपेसिटर इज द मेन क्लिपिंग एलिमेंट, इज द मेन क्लिपिंग, सॉरी मेन क्लैंपिंग एलिमेंट। कैपेसिटर से ही हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं? कैपेसिटर से ही हम लोग क्लैंपिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या लाने वाले हैं हम लोग? एक्स्ट्रा लाने वाले हैं यहाँ पे क्लैंपर से, कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, है ना। समझ गए आप? है ना। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक।
तो ये हमें समझ में आया, ये हमें समझ में आया, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका सर्किट बनाते हैं क्लैंपर का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सर्किट बनाते हैं और इसकी वर्किंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग समझते हैं। वर्किंग के बाद रिजल्ट हमको याद रखना है, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। देखिए अब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है एक कैपेसिटर, ठीक है। ये लगा हुआ है डायोड, ये हो गया कैपेसिटर सी, ये हो गया वी इन। वी इन कैसा हो गया, वी इन हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया आर एल, ठीक है। ये हो गया अपने पास क्या, वी आउट, ठीक है। अच्छा, आर एल की वैल्यू हाई होगी, मैं ऐसा कह रहा हूँ। आर एल की वैल्यू क्या होगी भाई, आर एल की वैल्यू जो है अपने पास वो हमें काफ़ी हाई नज़र आएगी। आर एल की वैल्यू कैसे नज़र आएगी, आर एल की वैल्यू जो है वो अपने पास हाई नज़र आएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका ना वेव फॉर्म भी स्केच करते हैं पैरेलल पैरेलल में, कि हमको समझ में आए कि वर्किंग एग्जैक्टली हो कैसे रही है। तो विल ऑल्सो स्केच व्हाट, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म स्केच करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेव फॉर्म स्केच करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए आप, इनपुट आउटपुट को एक समान हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी स्केच करते हैं, देखते जाइएगा। देखिए ये है वी इन और ये हो गया टाइम टी, ठीक है। यहाँ पे इनपुट कैसा बनेगा, ये ऐसा अपने को वेव फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आप कुछ कुछ चीज़ देखिएगा, जैसे ये टी बाय फोर है, ये टी बाय टू है, ये थ्री टी बाय फोर है, ये अपने पास ऐसा देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये ऐसा हो गया, है ना। ये नंबर क्या है भाई, ये नंबर तो माइनस वी है, सॉरी प्लस वी एम है। ये नंबर क्या है और ये नंबर माइनस वी एम, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया टी बाय फोर, ये हो गया टी बाय टू, ये हो गया अपने पास थ्री टी बाय फोर, ठीक है। और ये हो गया अपने पास टी, ऐसा अपने को ये देखने को मिल गया, ठीक है। ऐसा हमको ये देखने को मिल गया वेव फॉर्म। उसके बाद तो समझ सकते हो आप, है ना, कि ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एक साइकिल और एक और साइकिल ख़त्म हो गया, तो उसको मैं बोल पाऊंगा कितना, टू टी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए वेव फॉर्म कैसा बनेगा, वेव फॉर्म में एक स्टैम्प मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ वी एम की लाइन, एक मैं मार्क कर देता हूँ ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया वी एम और ये हो गया टू वी एम, ठीक है। ये ऐसा अपने को देखने को मिल गया, ये ऐसा अपने को देखने को मिल गया, समझ पा रहे हैं क्या आप, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक लाइक, ठीक है। ये ऐसा अपने को देखने को मिल गया, एक हो गया वी एम, एक हो गया क्या अपने पास टू वी एम, एक हो गया हमारे पास क्या टी, ठीक है।
दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट योर टी, ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर टी, ठीक है, ये दिखाई देगी हमको क्या टी के बराबर वैल्यू है ना, दिस इज वैल्यू ऑफ वॉट, दिस इज वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। अब देखें आप कि आगे हम प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, है ना। हाँ कहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक है, चलिए ये समझ में आया। इसका वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे होगा, ठीक। आपको ये पता है कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, आपको ये बात सही से पता है कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, देखिए ये अपने पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो क्या, वी सी ज़ीरो माइनस इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, इनिशियली ऐसा है, ठीक है। तो देखिए वी इन का वैल्यू कैसा है टी इक्वल टू 0 प्लस पे, वी इन के वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ टी इक्वल टू 0 प्लस पे, तो देखिए टी इक्वल टू 0 प्लस पे वी इन का वैल्यू कैसा दिखाई देगा, है ना, वी इन का वैल्यू कैसा दिखाई देगा, देखिए दिस इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, थोड़ा सा बड़ा होगा यार, 0.1 वोल्ट पे पहुंच गया होगा, है ना, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो साइन वेव का पहला नंबर क्या है, साइन वेव का पहला नंबर 0.1 है, ठीक। अब देखो इस सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये डायोड है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर डायोड, है ना, और ये अपने पास आरएल है, ये हमारे पास क्या है आरएल है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर आरएल। आरएल कैसा है, आरएल का वैल्यू अपने को हाई दिखाई पड़ रहा है, तो ये हो गया प्लस माइनस वी आउट, ये हो गया अपने पास क्या प्लस माइनस वी इन, ठीक है, ये ऐसा देखने को मिल गया, एक हो गया वी आउट, एक हो गया अपने पास क्या, एक हो गया हमारे पास वी इन, ये हो गया अपने पास क्या कैपेसिटर, ये हो गया अपने पास क्या डायोड, ठीक है, दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट योर डायोड, है ना, ये क्या हो गया अपने पास नथिंग बट योर डायोड, ठीक है। एक हमें क्या दिखाई दे जा रहा है, एक हमें यहाँ पे दिखाई दे जा रहा है डायोड का वैल्यू, ठीक है, कितना दिखाई दे जा रहा है डायोड का वैल्यू, फाइन। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। जब ये पहला नंबर आया 0.1 वोल्ट, ठीक है, तो कैपेसिटर ने उस नंबर को लिया नहीं, ये 0.1 वोल्ट कहाँ गया, ये डायोड के पास गया, डायोड के पी पे पॉजिटिव आ गया, एन पे सॉरी पी पे नेगेटिव आ गया और एन पे पॉजिटिव आ गया, डायोड क्या हो गया, डायोड हो गया ऑफ, ठीक है, और वी आउट कैसा दिखाई दे गया अपने को, वी आउट हमको वी इन के बराबर दिखाई दे गया, वी आउट किसके बराबर दिखाई दे गया, वी आउट हमको वी इन के बराबर दिखाई दे गया, ठीक है। हाँ समझ गए, ठीक है, तो आउटपुट कैसा करने लगा, आउटपुट देखिए क्या हो गया, डायोड का स्टेटस पता कर लिया हमने, डायोड का स्टेटस क्या था, ऑफ था, ओपन सर्किट था, रिवर्स बायस था, ठीक है, तो सर्किट का जो आरटीएच आ रहा था वो सॉरी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट आ रहा था वो कैसा आ रहा था, वो आ रहा था आरएल इनटू सी, तो टाइम कांस्टेंट कैसा आ रहा था हाई, क्योंकि जानबूझ के हमने सर्किट में क्या कर रखा है, क्योंकि जानबूझ के हम लोगों ने सर्किट में ये कर रखा है कि डायोड जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है आरएल जो है, आरएल की वैल्यू को हमने क्या कर रखा है, आरएल की वैल्यू को हम लोगों ने हाई कर रखा है, ठीक है, आरएल की वैल्यू को अगर हम लोगों ने हाई कर रखा है ना, आरएल की वैल्यू को अगर हम लोगों ने क्या कर रखा है, आरएल की वैल्यू को अगर हम लोगों ने हाई कर रखा है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जानबूझ के टाइम कांस्टेंट को बढ़ाया है, कैपेसिटर विल नॉट चार्ज, कैपेसिटर विल नॉट चार्ज, कैपेसिटर चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, और वी इन इज इक्वल टू वी आउट होगा, तो इधर जो वेव फॉर्म है, इधर जो वेव फॉर्म है अपना, ठीक है, ये वेव फॉर्म कैसा चलेगा, ये पूरा का पूरा ऐसा फॉलो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से अपने को फॉलो होता हुआ दिखाई
दे जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा परफेक्टली हमको फॉलो होता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद होगा वी इन का नंबर जीवन में पहली बार नेगेटिव, ठीक है, मतलब अपने साइकिल में ये नंबर क्या होगा, अपने साइकिल में ये नंबर पहले बार नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा, टी ग्रेटर देन टी बाय टू के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। कैपेसिटर अब तक के क्या एक बार भी चार्ज किया है, अगर तू ध्यान से देखेगा तो कैपेसिटर जो है ना वो अब तक के एक बार भी चार्ज नहीं किया है, मतलब पूरे वक्त ये 0 वोल्ट पकड़ के बैठा था। क्या पकड़ के बैठा था, पूरे वक्त ये 0 वोल्ट पकड़ के बैठा था, ठीक है। अगर ये पूरे वक्त 0 वोल्ट पकड़ के बैठा था, क्या पकड़ के बैठा था भाई, ये 0 वोल्ट पकड़ के बैठा था, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होने वाला है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होने वाला है, इस बात को समझते हैं अपन, ठीक है। देखिए अगर वी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, डायोड को जीवन में पहली बार नेगेटिव नंबर खाने को मिल रहा है, ठीक है, और डायोड को अगर जीवन में पहली बार नेगेटिव नंबर खाने को मिल रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, ठीक है, कि भाई जो अपना डायोड नेगेटिव हो गया, ठीक है, डायोड अपना नेगेटिव हो गया, ठीक है, डायोड का वैल्यू कैसा हो गया, डायोड को पहली बार नेगेटिव वोल्टेज मिला, तो डायोड होगा ऑन, डायोड क्या होगा, ऑन, ठीक है। और डायोड जब ऑन होगा तो फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हो गया डायोड ऑन, ठीक है। डायोड के ऑन होने के बाद ये देखिए ऐसा दिख गया, ये हो गया आर एल, ये हो गया सी, ये हो गया वी इन, और ये हो गया वी आउट। ये क्या हो गया अपने पास, वी आउट, ठीक है, ये ऐसा अपने को देखने को मिल गया, है ना। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताओ मेरे को, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताओ आप मुझे, इस सर्किट का आप मुझे बताएं टाइम कांस्टेंट, ठीक है, इस सर्किट का क्या बताएं आप मुझे, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, बताएं भाई कितना आ रहा है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, देखो टाइम कांस्टेंट लिखेंगे आर टी एच मल्टीप्लाइड बाय सी, कैपेसिटर तो एक ही है, आर टी एच क्या होगा, आर टी एच होगा आर एल पैरेलल विद जीरो टाइम्स ऑफ सी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आर एल पैरेलल विद जीरो टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। तो ये अगर आर एल पैरेलल विद जीरो टाइम्स ऑफ सी हो रहा है, तो इसका वैल्यू कैसा आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाइड बाय सी, तो टाइम कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, 0 सेकेंड, है ना। टाइम कांस्टेंट के 0 सेकेंड होने का अर्थ क्या है, टाइम कांस्टेंट अगर 0 सेकेंड है तो इसका मीनिंग को हम लोग कैसे लिटरफाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइम कांस्टेंट अगर 0 है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट अगर 0 है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ठीक है, हाँ है ना। तो क्या होगा यहां पर, कैपेसिटर विल चार्ज, कैपेसिटर विल चार्ज इमीडिएटली, कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज करेगा, ठीक है, कैपेसिटर इमीडिएटली क्या करेगा, कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज करेगा, ठीक है। अब क्या है, कैपेसिटर जब इमीडिएटली चार्ज करेगा, है ना, कैपेसिटर क्या करेगा जब इमीडिएटली चार्ज करेगा, आउटपुट का वोल्टेज तेरे को कैसा दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे देख, क्योंकि तू तो शॉर्ट सर्किट है भाई आउटपुट में, तो आउटपुट का वोल्टेज दिखाई दे रहा है 0 वोल्ट, आउटपुट का वोल्टेज कैसा दिखाई दे रहा है, आउटपुट का वोल्टेज दिखाई दे रहा है हमको 0 वोल्ट के बराबर, ये हो गया आउटपुट, ठीक है, 0 वोल्ट,
दिस इज योर आउटपुट, ठीक है, कितना आ गया अपने पास 0 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जो ये ड्यूरेशन था ना, इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में क्या हुआ है, इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में कैपेसिटर आपके पास फुली चार्ज हो गया है, ठीक है। कैपेसिटर क्या हो गया है, कैपेसिटर आपके पास फुल्ली चार्ज हो गया है, ठीक है। कैपेसिटर क्या हो गया भाई, फुल्ली चार्ज हमको दिखाई दे जा रहा है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया मतलब कितना वोल्टेज ले लिया है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है मतलब कैपेसिटर अब ले चुका है अपने पास वीएम वोल्टेज। कैपेसिटर क्या ले चुका है अपने पास, कैपेसिटर अपने पास ले चुका है वीएम वोल्टेज, ठीक है। और कैपेसिटर अगर वीएम वोल्टेज ले लिया है, ठीक है, तो आउटपुट का वैल्यू देखो कैसा आएगा, है ना। आउटपुट शॉर्ट था, कैपेसिटर क्या हो गया पूरा चार्ज हो गया, क्योंकि आउटपुट में तो कोई वोल्टेज जा नहीं रहा था। कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर पूरा का पूरा वोल्टेज ले रहा है, कैपेसिटर क्या कर रहा है पूरा का पूरा वोल्टेज ले रहा है ना। कैपेसिटर 100% आपके पास पूरा का पूरा वोल्टेज क्या कर दे रहा है, कैपेसिटर 100% आपके पास पूरा का पूरा वोल्टेज ले लिया, चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो आउटपुट का वैल्यू देखो कितना आएगा, आउटपुट का वैल्यू देखो कितना आएगा, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, सिंचन भाई नेगेटिव वोल्टेज लिया है, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज लिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गया वी एम, ठीक है। अब क्या कर, अब लगा ले के वी एल, माइनस वी इन माइनस वी एम प्लस वी आउट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। हाँ, ठीक, क्लियर वो। अरे भाई कैपेसिटर जब सप्लाई नेगेटिव है, सिंचन रेडी सप्लाई देख नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, इधर पे आएगा प्लस, इधर पे आएगा प्लस, ऊपर आएगा माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लेट ये वाला हो जाएगा, बस खत्म किस्सा इतने में, ठीक है, माइनस प्लेट वाला गेम हो गया, आ गया आंसर अपने पास, ठीक है। अब क्लियर हो गया तेरे को क्या आ रहा है ऊपर वहां पे, है ना, तो उसको भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब क्या होगा, वी आउट का वैल्यू कैसा दिखाई दे रहा है, वी आउट का वैल्यू दिखाई दे रहा है वी इन प्लस वी एम के बराबर, वी इन प्लस किसके बराबर, वी इन प्लस वी एम के बराबर, ठीक है, ये हमको देखने को मिल जा रहा है ना। वी आउट का वैल्यू कैसा, वी इन प्लस वी एम के बराबर, ठीक है। अब इसमें एक खास बात क्या है, कैपेसिटर के पास 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट मतलब कैपेसिटर के पास क्या है, वी एम है, तो अब डायोड कभी ऑन हो ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि सर्किट को, सर्किट में डायोड हो जाएगा ऑफ और टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा इन्फिनिटी, डायोड कभी ऑफ आपके पास हो ही नहीं पाएगा, डायोड कभी भी ऑफ आपके पास हो ही नहीं पाएगा, क्लियर। तो फिर क्या होगा, हमेशा के लिए आउटपुट यही रहेगा, जिसको हम लोग कैपेसिटर का क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कैपेसिटर का आउटपुट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर का आउटपुट, ये हो गया ऐसा, कैपेसिटर का आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वी एम में 0, उसके बाद फिर क्या, 0 में वी एम, ठीक है, इनपुट, उसके बाद देखो फिर यहाँ पे वी एम है, तो फिर कैसा आ जाएगा 2 वी एम, उसके बाद फिर यहाँ पे वी एम, ये सारे पॉइंट्स अपने पास बनेंगे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ, तो देखो ऐसा अपना वेव फॉर्म बन रहा है, और इस वेव फॉर्म को अगर कोई अलग से सेपरेटली यहाँ से एनालाइज करे, देखो यहाँ से एनालाइज करे, ठीक है, ये देखो ये यहाँ से क्या करे, एनालाइज करे, ठीक है ना, ये ऐसा वीन, और ये हो जाएगी ओमेगा टी, ठीक है। तो आप देखो क्लैम्पर बन गया है, वेव फॉर्म ऊपर उड़ गया है, क्या वेव फॉर्म क्या आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से आप देखें, क्या आपको वेव फॉर्म पूरा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा वेव फॉर्म ऊपर उठे हुए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर दिया है ना, कि वेव फॉर्म क्या है, वेव फॉर्म अपने पास यहाँ पे उठा हुआ हमको दिखाई दे जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, क्लियर।
है ना, शानदार। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंपर। ठीक है सर, शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई मेरे, शुरू में ट्रांजिएंट टाइम है। शुरू में क्या है, ट्रांजिएंट टाइम है। ठीक है, और इधर पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, इधर हमें दिखाई दे रहा है स्टडी स्टेट। इधर हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्टडी स्टेट। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टडी स्टेट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टडी स्टेट। ठीक है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्टडी स्टेट, है ना। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, स्टडी स्टेट, है ना। हाँ, किसका करंट की बात कर रहे हैं अतुल भाई, कौन से करंट की बात कर रहे हैं। सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ओके, सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है की बात करें। देखो करंट क्या होगा तेरे पास भाई, ये तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, अल्टरनेटिंग है ना भाई। ठीक है, क्या है वो, अल्टरनेटिंग है। ठीक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, तो करंट को डायरेक्शन कैसे बता देंगे, अल्टरनेटिंग है वो। ठीक है, तो ये देखो ऐसा अपने पास आउटपुट बन गया, है ना, ये हमारे पास आउटपुट बन गया, क्लियर। तो मैं अगली क्लास में क्लिपर के ही कंसेप्ट पे क्या करवा दूंगा, क्लिपर के ही कंसेप्ट पे सिंपली मैं करवा दूंगा पीक डिटेक्टर सर्किट, और पीक डिटेक्टर और क्लैंपर को मिक्स करके फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इनके क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब के क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कोई अपने को समस्या झेलने को नहीं मिलेगी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच यार।